हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इंडिया पोस्ट यूडीएस में अभी एक न्यू वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों इसमें अच्छी बात है, इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपके मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे आपकी परसेंटेज अगर कम है तो आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। इस वैकेंसी से रिलेटेड हम आपको सारी जानकारी देंगे, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं ऐसी सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी जरूर से ऑन कर लेना। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए देखिए दोस्तों, सबसे पहले टोटल पोस्ट की बात करते हैं। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 12,828 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। अप्लाई डेट की बात करें तो 22 मई से 11 जून तक इसमें फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 100 रूपए फीस लगेगी। अगर एससी एसटी अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपकी 0 रूपए फीस लगने वाली है। अगर दोस्तों आप फॉर्म में कोई गलती कर देते हैं तो दोस्तों आप 12 से 14 जून के बीच आप करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल और यहाँ पर एज में छूट भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको किसी को भी एज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 18 से 40 साल के सभी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर एज में अगर छूट चाहिए तो ओबीसी को 3 साल की और एससी एसटी वालों को यहाँ पर 5 साल की एज में छूट देखने को मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन दोस्तों अगर आपने सिंपल 10th पास कर रखा है साइंस सब्जेक्ट के साथ, दोस्तों आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने आर्ट्स के साथ 10th पास किया है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैथ और इंग्लिश आपके पास होना चाहिए तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों जहां से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहां की आपको भाषा आनी चाहिए, यानी कि लोकल लैंग्वेज आपकी आपको आनी चाहिए। आपको साइकिल चलाना भी आना चाहिए तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई करिए। और सिलेक्शन का प्रोसेस दोस्तों आपको बताइए, 10th की मार्कशीट के प्रतिशत के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन होता है। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आपका यहाँ पर चयन हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कितने परसेंट वाले यहाँ पर फॉर्म भरे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों की बनी हुई है कि हमारी परसेंटेज कम है तो हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपकी परसेंटेज जैसे 50, 60 या 65 या 70 इतनी तक है तो आपको दोस्तों फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस बार जो चयन हुआ है वो 100 में 100, 98, 97 ऐसे कैंडिडेट का यहाँ पर चयन हुआ है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी यहाँ पर अगर 70% तक है तो आपको नहीं भरना चाहिए। अगर दोस्तों आपकी 75, 80, 85 के बीच में है तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप जिस सर्कल के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने इन 5 सर्कल में आपने फॉर्म फिल किया 5-6 में, तो दोस्तों इन 5-6 सर्कल में आपकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है तो आपका यहाँ पर चयन हो जाएगा। तो आपकी अगर परसेंटेज इतनी है तो आपको फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ओनली 100 रूपए फीस है, कोई ज्यादा फीस नहीं लगने वाली। अब दोस्तों सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी देखिए, बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसकी सैलरी 12,000 से 29,380 रूपए प्रति मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी मिलेगी, और एबीपीएम जिसकी सैलरी 10,000 से 24,470 रूपए यहाँ पर सैलरी रखी गई है। अब दोस्तों बीपीएम और एबीपीएम को क्या कार्य करना पड़ता है, बीपीएम का कार्य होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका ऑफिस की देखरेख करना, फाइलों की देखरेख करना, ये काम होता है बीपीएम का। और बीपीएम के नीचे जो काम करते हैं एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये फाइलों की देखरेख भी करते हैं और भी बहुत सारा काम होता है, ये एबीपीएम के नीचे आता है। तो दोस्तों आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, अगर परसेंटेज जैसे 60, 65, 70 तक है तो आपको फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि दोस्तों पिछली बार आपने देखा है 95% से ज्यादा जिनके ज्यादा नंबर है उन्हीं का यहाँ पर चयन हुआ है। तो आपकी अगर परसेंटेज 65-70 तक है तो आपको फॉर्म नहीं भरना है, फालतू में आपका पैसा बर्बाद होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।